पूजा में थोड़ा सा अपने नृत्य की कला के थोड़ा सा हमारे घर जितना भी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेस मींस लाइफ। मैं हूं कसिला मींस और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो है ब्लॉग वो कर्मा ब्लॉग है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, फ्राइडे है और मेरे हस्बैंड जस्ट अभी पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली वो फ़ोन करके बोल दिए थे कि आप लोग सब जहाँ पे पूजा हो रहा है वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाइएगा। तो वही अभी वो आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर में भी थोड़ा सा पूजा करेंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। तो अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट आज बेटा इधर पापा है, जल्दी 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 दौड़ के जाओ पापा के पास है। फ्रेंड्स, अभी देखिए करीब ये 8:30 के करीब ये पहुंच चुके थे, 8:30 9:15 के करीब। तो अभी देख सकते हैं मेरा जो डॉगी है ना वो मेरे हस्बैंड को देख के मतलब अपना जब मालिक आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हम लोग भी आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने मेरे इससे जस्ट पहले वाली मीन्स विश्वकर्मा वाली पूजा का जो ब्लॉग है वो नहीं देखा आप लोग ने तो वो प्लीज़ आप लोग देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग क्यों इतनी ज़्यादा खुश हैं हमारे मतलब मेरे हस्बैंड के आने से। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड अभी घर में आके मतलब थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके फिर वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग जो हैं आज करम पर्व मना रहे हैं। करम पर्व यहाँ झारखंड का बहुत ही बड़ा पर्व है। अगर आप झारखंड के हैं, मेरे झारखंड के व्यूअर हैं तो उन लोगों को तो सारा कुछ पता होगा, लेकिन अगर मेरे व्यूअर जो झारखंड के नहीं हैं उनको हम बता देते हैं कि ये जो करम पूजा है हम लोग का वो हमारे झारखंड का प्राकृतिक त्यौहार है और मुख्य रूप से जो है ना ये हमारे झारखंड में ही मनाया जाता है। और झारखंड के लोग जो खासकर छत्तीसगढ़, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ अगर बसे हुए हैं तो वो यहाँ भी मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोग को और भी विस्तार से बताऊँगी, आगे ब्लॉग में बने रहिएगा हमारे करम पर्व के बारे में। लेकिन अभी जो मेरे हस्बैंड जो काम कर रहे हैं मैं उसके बारे में आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ये कटहल का नया पत्ता है, नया पत्ता, या तो हम लोग सखुआ पत्ता इस्तेमाल करते हैं या तो कटहल के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, बट मेरे हस्बैंड पहले ही आए हुए रहते तो सखुआ पत्ता आ जाता, वो जंगल जाके ले आते, बट यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं आए हुए थे, लेट से आए थे। तो फिर वो हम लोग कटहल का जो नया पत्ता है उसी पर हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें हम पहले पानी और पकवान देते हैं और उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप पहले ये सब लो, आप भी कर्मा पूजा मनाओ और उसके बाद हम लोग मनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड हैं वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो आशीर्वाद है अभी तक और आप लोग जो हम लोग पे अपना छत्र छाया बनाए हुए रखे हैं वो हम पे इसी तरह से अपना कृपा बनाए रखिएगा। और हम लोग कामना कर रहे हैं कि आप लोग भी अच्छे से कर्म पूजा मनाएं और उसके बाद हम लोग मनाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो कटहल पत्ता का जो होता है उसका दोना बना दिया है, उसमें पानी दे दिया है और ये जो कटहल पत्ता है उस पर मैंने चावल के आटे का पकवान बनाया हुआ था तो वो भी सिंपल था, बिना नमक का। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ने मेरे पूर्वजों को अर्पित कर दिया है सारा चीज़ और फिर उनसे अच्छे से प्रार्थना वगैरह करके अभी जो है पूजा हम लोग का ये घर का पूजा ख़त्म हो गया है। तो हम लोग आदिवासी लोग का जो सिंपल तरीके से ही सारा कुछ पूजा वगैरह होता है और हम लोग खासकर जो है आदिवासी वो प्राकृतिक पूजा के होते हैं और अपने किसी भी त्यौहार में अपने पूर्वजों को हम लोग अपना पुरखों को याद करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, पहले उन्हें याद करते हैं उसके बाद ही हम लोग कोई तीज त्यौहार बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद देखिए मैं फिर छिलका रोटी मैंने बना दिया है मेरे हस्बैंड को खाने के लिए। और यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा व्यू लेने के लिए बोल रही थी मेरे हस्बैंड को, बट ना बाबू बीच बीच में आके तंग कर दे रहा था तो फिर मैंने उतने अच्छे से नहीं लिया, जो भी था वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद देखिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मेरे हस्बैंड ही लेट से पहुँचे थे, तो फिर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा था पूजा के पास पहुँचने के लिए। तो फिर हम लोग ने स्कूटी से ही जाने का प्लान किया। ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 मिनट का रास्ता ही है, 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन फिर लेट हो रहा था तो फिर हम लोग स्कूटी से ही आ गए। और ये देखिए पूजा ना स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेज बना हुआ है क्योंकि बच्चों का भी प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन ये नेक्स्ट डे शायद प्रोग्राम होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गांव के सारे लोग धूमधाम से करम पर्व मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। और ये रहा करम पर्व का मेन, करम की डाली और जावा, जिसको यहाँ पे अखड़ा में बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। साथ में जो हमारा झंडा है, इंडिकेट करता है हमारे कम्युनिटी को, वो भी लगाया गया है। और यहाँ पे करम के जो पेड़ होते हैं उसकी डालियों को यहाँ पे पूजा की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पहुँच के सारी जो लेडीज़ होती हैं वो यहाँ पे आती हैं और फिर 3 चक्कर लगाती हैं जो करम डाली जो लगाया गया है, गाड़ा गया है, और पानी उसके बाद हम लोग उस पर पानी डालते हैं और पूजा प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को, हमसे जुड़े लोगों को और हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमारा आशीर्वाद बनाए रखे और हमारा परिवार जो सुख समृद्धि की ओर जाए, यही सब प्रार्थना करते हैं। और अभी मैं बतला देती हूँ हमारे करम पर्व के बारे में। तो जो हमारा करम पर्व है ना, वो भादो महीने में एकादशी के दिन मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, जो लड़कियाँ होती हैं, जो कुंवारी लड़कियाँ बच्चियाँ होती हैं, वो अपने भाई के लिए फास्टिंग रखती हैं, उपवास रखती हैं अपने भाई के उन्नति के लिए। और दूसरी ओर इस समय जो क्या होता है ना, खेती बाड़ी वाला जो काम होता है ना, वो लगभग ख़त्म हो जाता है। मतलब जो धान ऊन जो लगाना होता है ना, वो सारा काम फिनिश हो जाता है, तो सभी कोई फ्री रहते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी फसल हो इसी की कामना करते हुए खेती के बाद सब कोई करम पर्व, जो हमारा करम राजा है, उससे यही कामना करते हैं कि हम लोग ने जो खेती किया है वो उसका अच्छा फसल हो। और भाइयों की रक्षा के लिए बहनें उपवास करती हैं। और इससे जुड़ी ना बहुत सारी कहानियां हैं, और जिसमें से एक मेन कहानी है धर्म करम की, जो कि 2 भाई होते हैं और उससे रिलेटेड कहानी है। और इस कहानी का जो महत्व है वो यही है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। और ये जो कर्म पर्व है वो प्रकृति का भी संदेश देता है कि हमें अपनी प्रकृति से जुड़ाव जो है हमेशा लगा के रखना चाहिए। और उसके बाद जो है हम अपने जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, उनकी अच्छी जीवन के लिए हम लोग इससे प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है लड़कियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उन्होंने दिन भर फास्टिंग करके अभी वो व्रत तोड़ेंगे। और यहाँ पे लगभग 1 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है पूजा में। बीच बीच में कई बार बच्चियों को उठाया जाता है कि उन्हें आप ये कीजिए वो कीजिए, और कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लोक कथाएँ सुनाई जाती हैं जो कि करम पर्व से जुड़ी होती हैं। और यहाँ पे देखिए लगभग पूजा जो है समाप्त हो चुका है। पूजा समाप्त होने के बाद ना जितनी भी बच्चियाँ जो उपवास की हुई हैं, फास्टिंग की हुई हैं, उनके लिए सबसे पहले ये प्रसाद आता है और सबसे पहले उन्हें ही दिया जाता है पूजा ख़त्म होने के बाद। देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो दिन भर कुछ भी खाए हुए नहीं रहती हैं, तो सबसे पहले ना उपवास तोड़ने के लिए उन्हें प्रसाद दिया जाता है। और यहाँ प्रसाद के साथ साथ पानी दे दिया जा रहा है। और इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ थी ना, आप देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए सारी बच्चियाँ जो हैं वो अपना फास्टिंग तोड़ रही हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। खासकर बड़ी बच्चियों को तो उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती होंगी क्योंकि उन्हें आदत हो गया होगा, लेकिन जो 1st टाइम कर रही हैं और जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। तो क्योंकि इस पर्व में ना पानी भी नहीं पीना होता है, छोटी बच्चियों के लिए शायद चलता होगा, बट बड़ी बच्चियां जो है पानी भी नहीं पीती हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा करम का पेड़ का डाली जिसको अखड़ा में लगाया जाता है। और ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना आपको फूल जैसे, वो जावा बोलते हैं उसको, जावा फूल। तो ये करीब करम पर्व के 9 दिन या 7 दिन पहले ही इस तरह से टोकरी में लगाया जाता है, जैसे चने चने हो गए, मकई के दाने हो गए, जाव और जो ज्वाइन आती है वो, फिर चने, इन सभी को मिला के ना उसमें लगातार 9 से 7 दिन रखा जाता है और हल्दी पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे ना इनका कलर देख सकते हैं हल्का पीलापन आ जाता है, तो उसी वजह से होता है। और इसको जावा बोलते हैं, जिसको पूजा होने के बाद सारी जो बच्चियाँ हैं वो लेती हैं और अपने बालों में लगाती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो पूजा है वो लगभग ख़त्म हो चुका है और हम लोग सभी यहाँ पे बैठ के देख रहे थे पूजा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ कितने अच्छे से रेडी होके आई हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी देखिए, अभी जो है हम लोग का पूजा वगैरह ख़त्म हो चुका है और अभी जो है मेन जो सबको ज़्यादा पसंद आता है हम लोग का नाच गान, वो स्टार्ट हो गया है। तो झारखंड का जैसे होता है ना, सभी का एक डांस होता है, सांस्कृतिक कल्चर जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक, तो यही है झारखंड का ये झूमर डांस है, जो कि दिखता तो है जैसे कि पैरों पे आप लगाइएगा नज़र तो लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इसमें भी ना बहुत ज़्यादा स्टेप्स आते हैं और काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो लोगों को बहुत ही पसंद आता है। और जिन लोगों को आता है उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है करने में, और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था हम लोगों ने भी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। अभी देखिए ये अब हम लोग का लास्ट है। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही मस्ती की। बाबू को हम लोग बिठा के हम लोग दोनों जन भी बहुत ज़्यादा डांस किए और देख सकते हैं चेहरे की हालत बिल्कुल पसीना पसीना हो गए थे हम लोग। मतलब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय आया, मतलब मज़ा आया, क्योंकि साल में एक दिन आता है और पिछले साल तो मतलब कोरोना की वजह से इतना एंजॉयमेंट भी नहीं हो पाया था। और अभी हम लोग घर के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से भूख लगने लगी थी तो मैंने फटाफट से जो है रोटियाँ बना दी। हेलो एवरीवन, तो अभी देखिए हम लोग घर आ गए हैं और अभी मैं उन लोग के लिए गर्मा गर्म छिलका रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बाबू को भी भूख लग गया है और हमें भी थोड़ी देर भूख लग गई है और रात के करीब अभी 12 बज रहे हैं। और आज का फ्रेंड ब्लॉग मेरा जो है वो यहीं तक था। तो कैसा लगा मेरा ये कर्मा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा ज़रूर, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल जाएगा। और मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पर अभी मैं छिलका रोटी बना दे रही हूँ और हम लोग फिर आ गए करीब 11:45 बजे के आसपास, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में भी हम लोग के घर में एक पूजा होगा तो उसकी भी तैयारियां करनी थी। तो वो उसका जो पूजा होती है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और वो क्या पूजा है वो मैं बता देती हूँ अभी कि वो जो पूजा है हम आदिवासी कैसे अपने साल भर में एक बार घर का शुद्धिकरण करते हैं। और कर्म पूजा के बाद मतलब कर्म पर्व के बाद ही हम लोग के लिए एक होता है कि एक नया साल की तरह होता है। हम लोग हर एक नई चीज़ की शुरुआत इसके बाद से या इसी दिन से करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।